हेलो गाइस, आज हम बोया के वायरलेस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। आज हम इसमें जानेंगे कि इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसकी इसकी क्या प्राइस है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मुझे मिला है अमेजोन से 3489 रुपीज़ का, ठीक है। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो ये VY-V20 है, जिसमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर मिलता है। गाइस, इसकी फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीचर्स ये टाइप सी में, USB पोर्ट में और आईफोन के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें 50 मीटर इसकी रेंज है और 360 बैक क्लिप मिल जाता है। इसमें म्यूट कंट्रोलर है, हाई परफॉर्मेंस नॉइस रिडक्शन है और 9 आवर्स रन टाइम है, ऑटोमेटिक पेयरिंग है, 95 AH की बैटरी है और 2 आवर्स चार्जिंग टाइम है। अब इसमें इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें 2 ट्रांसमीटर है और 1 रिसीवर है, 2 केबल है सी टाइप और ये इंफॉर्मेशन कार्ड है, ठीक है। अब इसमें हम इसे ये 2 माइक है, जैसे ट्रांसमीटर बोलते हैं, और 1 रिसीवर है। इसे कैसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को ओपन करिए और फिर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप OTG टाइप कीजिए। OTG टाइप करने के बाद OTG कनेक्शन का ऑप्शन रहेगा, उसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप रिसीवर को टाइप सी पोर्ट में लगा दीजिए। ये ब्लू कलर का ब्लिंक करने लगेगा। अब फिर जो माइक है उसमें भी एक पावर बटन दिया होगा, उसको क्लिक करिए। और ये भी ब्लू कलर का लाइट जलने लगा होगा। तो ये देखिए दोनों स्टेबल हो गए, अभी ब्लिंक कर रहा था। फिर इसके बाद आप सेटिंग में जाइए। फिर इसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस सेटिंग, किसी किसी फ़ोन में मोर की ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन में जाने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद एडवांस सेटिंग या मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन और आएंगे, तो इसमें यहाँ पर होगा डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर में 2 ऑप्शन आएगा, ऐड ऑन। तो ऐड ऑन ऑटो सिलेक्ट रहता है, तो ऑटो सिलेक्ट की जगह आप यहाँ पर ऐड ऑन पे क्लिक कर दीजिए, या और कुछ होगा ऑप्शन तो उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपका पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह का ब्लू लाइट जल रहा है, कनेक्ट हो गया। अब आप कैमरा खोलिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खोलिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन खोलने के बाद आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको ये वाली बटन दिख रही होगी ब्लू कलर की, उसको आप प्रेस करेंगे एक बार तो ये देखिए ग्रीन लाइट जलने लगी। अब ये नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा आवाज़ होगी, जैसे फैन की, हवा की, तो काफ़ी तक रिड्यूस कर देता है। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।